शुक्रवार को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का सिंगरौलिया हवाई पट्टी से राज्य मंत्री राधा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं इस पर कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह चौहान और आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने इसे अपना निजी कार्यक्रम बना लिया है। सिंगरौली के सिंगरौलिया हवाई पट्टी पर आयोजित पीएम श्री पर्यटन वायुसेना कार्यक्रम भाजपा में रहा। कार्यक्रम में पहुंची सिंगरौली की महापौर जो आप पार्टी की हैं रानी अग्रवाल, उनको भाजपाइयों द्वारा दरकिनार करते हुए देखा गया। वहीं कार्यक्रम में कोई कांग्रेसी नेता भी नजर नहीं आया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने अपने संबोधन में वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि हवाई सेवा सिंगरौली के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस उद्घाटन अवसर पर यात्रा में शामिल यात्रियों को सभी ने सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। आज का दिन सिंगरौली वासियों के लिए स्वर्णिम दिन है। आज हम वायु सेवा से जुड़ने जा रहे हैं। एक अति महत्वपूर्ण जो हमारे केंद्र सरकार की योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थी, पीएम वायु सेवा योजना, उसका शुभारंभ अभी हुआ है। अभी हमारी जो फ्लाइट आने वाली है, 6 यात्री आज हमारे जा रहे हैं इसमें, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन इसलिए है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी एयर कनेक्टिविटी हो रही है, जिससे सामान्य लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही, जो बीमार लोग हैं उनको भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आने जाने की सुविधा रहेगी। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। आज का दिन सिंगरौली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि सिंगरौली वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग कि जो यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आए थे तो यहाँ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी यहाँ की जनता की तरफ से कि सिंगरौली सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है, इसलिए यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ की जाए। उस मांग को आपके प्रदेश के यशस्वी मुखिया ने स्वीकार किया और देश में जो माननीय पीएम श्री के नाम से जो योजना चला रहे हैं देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, उस योजना के तहत इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। आज जल्दी ही सिंगरौली वासियों को आज से हवाई यात्रा की शुभारंभ कर दी, इसलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी कृषि मंत्री को सिंगरौली वासियों की तरफ से कोटि से धन्यवाद, उनका आभार। आपने जो कहा वो पूरा किया, कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब सिंगरौली जिला वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो पीएम श्री वायु सेवा योजना शुरू की गई है। उसके पहले चरण में ही बड़े शहरों के साथ हमारा सिंगरौली भी शामिल किया गया है। उसके तहत आज पहली बार यहाँ के लोग हवाई यात्रा अपने सिंगरौली जिले से कर पाएंगे और इसके लिए निश्चित रूप से हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, सिंगरौली वासियों को। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और सेवा है जो एयर एम्बुलेंस की सेवा है, वो भी गरीबों को मुफ्त में, जो आयुष्मान कार्डधारी हैं और जो उसके तहत नहीं, उनको भी कम पैसे में दूसरे बड़े अस्पतालों में सुविधा पहुँचाई जाएगी, उनको एयरलिफ्ट कराया जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस तरह की आम जनता के लिए हवाई सेवा शुरू की। सिंगरौली जिले में शुरू हुए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश संयोजक व सिंगरौली नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना दिया, जबकि यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का था। सबसे पहले तो जो एयर टैक्सी का हमारे सिंगरौली नगर निगम और सिंगरौली जिले वासियों को ये सौगात मिली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रही कल की बात कि ये मध्य प्रदेश शासन और पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था, ना कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम था, और इसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और फिर उसके दौरान मैं इसमें भाग भी लेने गई। और वहाँ पर कहा जाए तो ये तो मैं ही कह रही कि जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि अपेक्षित किया गया जो भी, और ये मेरा अपमान ही, जनता का, जनार्दन का अपमान हुआ, क्योंकि मैं जनता की चुनी हुई हूँ यहाँ पर। और ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये पद की गरिमा का
अपमान हुआ है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। बिल्कुल, एक अगर शासन प्रशासन के कार्यक्रम को एक राजनीतिक बना दिया गया तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार से ना। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान सिंगरौली के राजा बाबा का था, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय राजा बाबा ने हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण कराया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इसको हवाई पट्टी बना दिया गया। जो सिंगरौली जिले के हवाई अड्डे का फंड था उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार हवाई अड्डे की मांग को लेकर के और एरोप्लेन की मांग को लेकर के, हवाई यात्रा की मांग को लेकर के मंत्रियों से मिले, ज्ञापन दिए, और सबसे जो अहम भूमिका रही वह पूर्व खनिज निगम अध्यक्ष आदरणीय बीपी सिंह राजा बाबा जी ने इस हवाई सफर को लेकर के पूर्व से ही काफ़ी जागरूक रहे। कई बार उन्होंने संघर्ष किया, कई बार पत्राचार किया, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सौगात हम सबको मिलनी चाहिए थी एरोप्लेन की, हवाई अड्डे की, वो एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है हम लोगों को। और मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले उसको इस तरह से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे वो सरकारी न हो करके भारतीय जनता पार्टी के खजाने से पैसा आया है और भारतीय जनता पार्टी का उसमें व्यक्तिगत लागत लगी हो, जैसे नाना या अपने मामा जी के घर से लेकर के वो आए। निश्चित तौर पर कार्यक्रम सरकारी था, जिला सरकार का कार्यक्रम था और सभी दलों के वरिष्ठ जनों को, या यूं कह लें कि जो विभिन्न दलों के प्रमुख हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए था, ये प्रशासन की चूक है। इतना ही नहीं, कल कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था जिसमें तीन बार के विधायक रह चुके, एक बार के महापौर रह चुके, मंडी अध्यक्ष रह के भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक आदरणीय राम लल्लू जी को दूसरी पंक्ति में बैठा दिया गया, जबकि कहीं न कहीं इस हवाई पट्टी का जो कार्य है उनके कार्यकाल में पूरा हुआ, कहीं न कहीं उनकी एक महती भूमिका रही होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी नेता है उनको भी दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। निश्चित तौर पर यहाँ के आम आवाम को अपमानित करने का काम, अन्य दलों को अपमानित करने का काम कल जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।